क्या बुराई है। मेरे पास है iPhone 11 और मैं इस जिंदा फोन को खोल के दिखाऊंगा इस मोबाइल फोन के अंदर ऐसी कौन सी चीज आईफोन करता है जो एंड्रॉइड कंपनियां नहीं करके देती अपने मोबाइल फोन में। मदरबोर्ड है इसका आईफोन 11 का, ठीक है, आईफोन 13 हो, 14 हो, 15 हो, कोई भी हो, देखो सब में इसी तरीके का। थोड़ी टेप हटाकर आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके पार्ट्स पर ध्यान दें, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इधर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, छोटी छोटी कॉइल्स लगी हुई हैं, साइड भी आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस कुछ। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि आईफोन बड़े एटीट्यूड में रहता है और भाई रहना भी चाहिए क्योंकि आईफोन काम ही ऐसे करता है। आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आमिर खान से देना चाहूंगा, साल में एक बार फिल्म लाता है मगर ऐसी फिल्म लाता है कि सारे एक्टर देखते रह जाते हैं, तो आईफोन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। मैं आपको आईफोन की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताया था जिसकी वजह से वो खुद में ही एक बड़ी ब्रांड है। चलिए जानते हैं वीडियो में कि आज मैं आपको ऐसी कौन सी खास बात बताने वाला हूँ आईफोन की, जिसको जानने के बाद आप आईफोन को बुरा बोलने वालों को थोड़ा बहुत मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। मुझे आईफोन से कुछ लेना देना नहीं है और ना आईफोन वाले हमें कोई स्पॉन्सर करते हैं, मगर जो चीज सच है उसे सच बताने में क्या बुराई है। मेरे पास है आईफोन 11 और मैं इस जिंदा फोन को खोल के दिखाऊंगा इस मोबाइल फोन के अंदर ऐसी कौन सी चीज आईफोन करता है जो एंड्रॉइड कंपनियां नहीं करके देती अपने मोबाइल फोन में, चाहे वो सैमसंग का कितना ही फ्लैगशिप फोन हो, S23 हो, S24 हो, या फिर मोटरोला का हो, H15 हो, कोई भी हो, ये कोई भी मोबाइल ये काम करके नहीं देते जो आईफोन के एक नॉर्मल फोन में भी आपको आराम से इजीली मिल जाती है, जिसकी वजह से आईफोन ने एटीट्यूड में रहता है। आज ये पास उससे पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना जो आईफोन लेने की सोचते हो या आईफोन लेने का मन बना रहे हो। इसलिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी, आ जाइए पास। और देखिए मैं आपको अब बताता हूँ, जिंदा फोन खोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, मैं कोई डेड फोन नहीं खोल रहा हूँ आपके सामने, बस आपको ये नॉलेज देना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि आपको आईफोन के बारे में पूरी बातें पता हो, क्योंकि काफी मार्केट में है ना फैलाई जाती है कि आईफोन खराब फोन होते हैं, आईफोन खराब नहीं भाई, खराब वराब कुछ नहीं होते, जबरदस्त फोन होते हैं, जो बंदे यूज करते हैं ना उनको पता होता है। तरीके से आईफोन खोलेंगे ना तो कभी डिस्प्ले नहीं टूटेगी उसकी, पैर वाले भी गलती कर देते हैं, ऐसे नहीं खोलते डिस्प्ले को, दूसरे तरीके से खोलना शुरू कर देते हैं, तरीके से आराम से डिस्प्ले खुलेगी, कभी भी डिस्प्ले नहीं चटकेगी आपकी। और नहीं खोलना आता हो वो भी देख सकता है वीडियो के तरीके से, आप इसके डिस्प्ले खोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका मेन खेल आपको दिखाता हूँ, अभी आपको आईफोन का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाऊंगा जो करने की है ना बड़ी बड़ी कंपनियों की हिम्मत नहीं होती ना, वो आईफोन कर गुजरती है भाई साहब अपने मोबाइल फोन में। बैटरी का पत्ता हटा दिया, फोन बंद हो चुका है, अब मैं इसकी डिस्प्ले निकालता हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ मेन चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज वीडियो में। आईफोन की तारीफ देखिए इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इनका हार्डवेयर खुद का इनके घर का होता है, सॉफ्टवेयर इनके खुद के घर का होता है, इसमें जो बायोनिक चिप लगी होती है प्रोसेसर जो होता है ना वो इनका खुद का होता है, बस ये डिस्प्ले सैमसंग से बनवा लेते हैं। कई सारे लोगों के मन में ना क्वेश्चन ये रहता है कि यार सैमसंग से डिस्प्ले क्यों बनवाता है आईफोन, सारा काम जब अपने आप कर ही रहा है तो फिर डिस्प्ले भी खुद ही बना ले। अगर बताना चाहूंगा कि सैमसंग कंपनी है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है जो कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है और सैमसंग से ब्रांड्स अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले बनाती है, ऑर्डर दिया जाता है बस एक तरह से। देखिए ये मदरबोर्ड है इसका आईफोन 11 का, ठीक है, आईफोन 13 हो, 14 हो, 15 हो, कोई भी हो, देखो सब में इसी तरीके का। थोड़ी टेप हटाकर आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके पार्ट्स पर ध्यान दें, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इधर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, छोटी छोटी कॉइल्स लगी हुई हैं, साइड भी आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस कुछ पार्ट्स लगे हैं ना, ये काले काले क्यों नजर आ रहे हैं। कोई भी कंपनी का अगर फोन खोल लूं तो सब में ये भी कंपनी के फोन होते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करता। मैं आपको अभी बस 2 मिनट वीडियो देखो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ ना। इसका ये पत्ता हटा दिया, मैंने कोई भी कंपनी का फोन उठा लिया, जैसे कि कूलपैड का उठा दिया मैंने। अब मैं अगर पार्ट्स दिखाना चाहूँ ना आपको, देखिए ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं येलो येलो कलर दिख रहे हैं ना, पार्ट्स आपको दिखेंगे नंगे पार्ट्स, ऐसे आपको समझाने के लिए बताऊं तो, ठीक है, इसमें देखिए इसमें जो पार्ट्स है ब्लैक ब्लैक क्यों है, कैपेसिटर येलो कलर का क्यों नहीं है, ये येलो ही है, अगर इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ा रखी है, इसे बोलते हैं भाई आइसोलेशन। किसी कंपनी के बस की बात नहीं होती आइसोलेशन करना अपने पार्ट्स को। ये कहते हैं कि ये आईफोन पानी में जाने के बाद भी बच जाते हैं, और ये बात है ना आईफोन खुद नहीं कहता,
पब्लिक यूज करने के बाद खुद अपने मुंह से कहते हैं कि आईफोन वाटर रेजिस्टेंसी सबसे ज्यादा हेल्पफुल आईफोन ही रहते हैं। मैंने आईफोन नहीं देखा होगा आपने कभी भी, कोई चिल्ला के ऐड करता है कि हमारे फोन ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस है, इसे डुबा दो और ये फोन में कुछ नहीं होगा, ऐसा ये बोलता नहीं है, इसका काम बोलता भाई साहब। आपने सुना होगा ना पार्ट्स है ना, सारे आइसोलेटेड पार्ट्स है। मैं कह रहा हूँ S23 मैंने रिपेयर किया, उसके अंदर भी आइसोलेटेड पार्ट्स नहीं है, क्योंकि और कंपनियां चाहती है कि साल में तीन तीन चार चार फोन लॉन्च करें, खरीदेगा अगर वो पार्ट्स को आइसोलेटेड कर देंगे तो। मगर आईफोन ना साल में एक बार निकालता है। मैंने आपको आमिर खान का एग्जांपल दे ही दिया, साल में एक बार फिल्म लाएगा, मगर सारे एक्टर देखते रह जाते हैं, उसकी फिल्म इतना कमा जाती है जितने सारे एक्टरों की फिल्में ना कमाती है। भी पार्ट्स इसमें नजर आएंगे ना, ये सारे आइसोलेटेड होते हैं भाई, जाली हटाकर दिखाने की जरूरत ही नहीं है भाई। इतने भी पार्ट्स लगे ना, आप देखिए यहाँ पे पेस्ट डला होगा, तो इन पे पानी जाएगा भी ना, तो शॉर्ट सर्किट कहीं से भी नहीं होगा बिल्कुल भी। मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आती है आईफोन की, ये ना अपने काम पे फोकस रखता है, झूठी तसल्ली दिलाकर कस्टमर का दिल नहीं जीतता, ये अपने मेन काम से कस्टमर का दिल जीतता है, अपनी मेहनत से कस्टमर का दिल जीतता है। इसलिए कहते हैं भाई आईफोन आईफोन ही होता है, आईफोन आईफोन ही होता है। बल्कि इसके ना जो पत्ते होते हैं ना, इनके पत्तों में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनके ऊपर भी आइसोलेशन लगा होता है भाई साहब, पत्तों के ऊपर। इतनी सेफ्टी के साथ इसका मोबाइल फोन बनाया जाता है। आप देखिए और कोई भी कंपनी हो, देखिए मदरबोर्ड इस तरीके से आराम से निकल जाएगा, ये बस एक पत्ता हटाया और ये पत्ता हटाया, ये डिस्प्ले का पत्ता हटा दिया और यह हमारा मदरबोर्ड बाहर, ये देखिए बस इतना आसान होता है। और किसी भी कंपनी का फोन खोल के उसका मदरबोर्ड निकाल देना, इतना आसान होता है बस। इसमें इसका मदरबोर्ड खोलने के लिए ना भाई साहब कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, तरीके से अगर मदरबोर्ड खोला जाए तो। जल्दबाजी में खोलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान करा बैठे। पार्ट्स लगाने का ना इनमें कोई ना कोई रीजन होता है हर पार्ट्स लगाने के। कोई भी पार्ट्स इसमें ऐसा नहीं लगा रखा जो दिखाने के लिए लगाया हो बस काम ना करता हो। कि मैंने आइसोलेशन की बात करी थी ना पत्तों में, तो मैं ये पार्ट्स लगे हुए हैं, इस पे देखिए कितना आइसोलेशन गिरा हुआ है। अगर इस पे पानी लग जाए ना, पानी टच भी हो जाए इस पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, पानी खड़ा रहेगा मगर इसके अंदर नहीं जा सकता, ये देखो आइसोलेशन इतना पड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा आपके कि मैं आईफोन की तारीफ इतनी क्यों कर रहा हूं। आपको एक बात बताता हूं, जैसे ओप्पो वीवो वाले अपने मोबाइल फोन की इतनी ऐड दिखाते हैं ना कि भाई हमारा फोन आईपी रेटिंग 68 है, फोन आईपी रेटिंग 69 है, पर इनके ये जो आईपी रेटिंग 69 वाला फोन होता है ना, उसके अंदर भी आइसोलेटेड पार्ट्स नहीं होते, कि उन्हें अपनी मार्केटिंग करनी है, साल में 2 से 3 फोन बेचने हैं। अगर आईफोन वालों को मैंने आपके सामने खोल के दिखा दिया, ये कोई झूठ बात नहीं है। जो रिपेयर करने वाला होता है ना भाई, वो कभी भी इसकी बुराई नहीं करेगा, ये चीज ही ऐसी है भाई। 12 मेगापिक्सल का कैमरा और एंड्रॉइड फोन का 108 मेगापिक्सल का कैमरा, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकता 12 मेगापिक्सल के कैमरे का। आईफोन चीज ही ऐसी भाई, ये दिखावे पे नहीं जाता, ये आपको बढ़ा चढ़ा के कभी भी नहीं बताता बात। बाकी तो कुछ क्रिएटर्स होते हैं ना, वो थोड़ी बहुत बुराई इसकी कर देते हैं क्योंकि व्यू पाने के लिए, क्योंकि अमीर आदमी बुराई करते हैं तो फिर लोग बाग ज्यादा सुनते हैं उसको, है ना, लोग बाग उसको ज्यादा पसंद करके सुनते हैं उस बात को, है ना, इसीलिए उसके वो व्यू के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जाते हैं आईफोन के बारे में कि अब के बारे इन्होंने ऐप ऐसे दे दी, के बारे इन्होंने कैमरा इधर कर दिया। नहीं भाई, कोई ना कोई रीजन होता है, अपने कस्टमर पे ध्यान देता है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं कह रहा था आईफोन का मुकाबला कोई भी एंड्रॉइड फोन नहीं कर सकता, कि एंड्रॉइड वाले ना अपना फोन बेचने के लिए पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं, और आईफोन वाले कभी भी अपना मोबाइल फोन बेचने के लिए मैनिपुलेट नहीं करते, वो बस लॉन्च कर देते हैं। आपको एक बात है ना, इन शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि अगर अगले साल 17 भी लॉन्च होगा, है ना, और वो अगर ये 17 में है ना, ये कह देंगे ना आईफोन वाले के हमने अपने 17 फोन में ना सांप सीढ़ी वाला गेम रखा है, तो भाई साहब पब्लिक फिर भी खरीदेगी उसको, क्योंकि आईफोन के ना बहुत सारे सीक्रेट होते हैं जो चलाने वालों को ही पता होते हैं। तो आपको एक बात बताता हूँ, आईफोन टारगेट है ना गरीब आदमी को बिल्कुल भी नहीं करता, गरीब आदमी को लूटने का काम बिल्कुल नहीं करता। आईफोन खुद कहता है कि ये फोन एसी में चलाने वाले फोन है, ये फोन अमीर आदमियों के लिए बने हैं, रिच आदमियों के लिए। भाई दुनिया में रिच आदमी बहुत हैं, हमें क्या लगता है कि सारे गरीब हैं? नहीं भाई, सारे हमारे जैसे गरीब थोड़ी हैं, अमीर भरे पड़े भाई, ये उनके लिए बनाए गए फोन, उनके लिए ये फोन काफी फायदेमंद साबित होता है। सुना होगा इंडिया में फोन जो बिकते हैं ये कहां से बिकते हैं, कि सेकंड हैंड फोन, आपने इंस्टाग्राम पे कितनी सारी रील्स देखी होंगी, उसमें 100-200 फोन रख के सामने वीडियो बना रहे होते हैं, हमारे पास लोट आया, ये आपको मिल जाएगा 40,000 में, 45,000 में, सबसे सस्ता दूंगा मैं सब। ये कहाँ से आता है लोट? ये आता है अमीर कंट्रियों से, जैसे कि अमेरिका में हो गया, हर साल फोन लॉन्च होता है, अगले साल वो क्या करते हैं, पुराने वाले फोन से डाटा ट्रांसफर करके इस फोन को डाल देते हैं, बस पैसा नॉलेज सारी चीजें हैं। तो वो जब अपने मोबाइल फोन को रिजेक्ट कर देते हैं ना, फिर वो इंडिया में आ जाते हैं यहाँ पे बिकने के लिए, उसे बोलते हैं फिर रिफर्बिश फोन, सेकेंड हैंड फोन, है ना, एक साल चला हुआ, दो साल चला हुआ। आईफोन की एक बात बता देता हूँ आपको, आईफोन है ना 5-5, 6-6 साल बाद भी बिकते हैं भाई साहब, और एकदम इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ जबरदस्त रहती है। एंड्रॉइड फोन आजकल ऐसे बनने लगे, चाहे तो एंड्रॉइड फोन वाले भी ये काम कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया है वीडियो में, मगर एंड्रॉइड वाले करेंगे नहीं, अगर कर दिया तो फिर उनकी मार्केट खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका काम है ज्यादातर मैनिपुलेट करना, पब्लिक को मैनिपुलेट करके अपना मोबाइल फोन देखना। अच्छा दोस्तों, काफी देर से देख रहे होंगे ये क्या रखा हुआ, ये रखा है चार्जर का कवर
और ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे फायदा ये होता है, अगर आपने ओरिजिनल चार्जर संभाल के रखना है तो भाई इस चीज़ को लगा लेना। पर्सनल राय ये रहेगी कि डाटा केबल के ऊपर आप ये वाला प्रोटेक्टर लगा लीजिए और उस चार्जर और चार्जर के ऊपर आप ये वाला प्रोटेक्टर लगा लीजिए। और डाटा केबल की जो पिन होती है ना अक्सर यहाँ से टूटा करती है, ठीक है, और यहाँ से जब ओरिजिनल डाटा केबल टूट जाती है ना भाई दिल दुखता बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओरिजिनल डाटा केबल दोबारा नहीं मिलती, वो मिलती है फिर दोबारा सर्विस सेंटर में। इस तरीके से इसमें लॉक मिल जाता है ये कि जो कि आपकी डाटा केबल को टूटने नहीं देगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। चार्जर की वीडियो मैंने बना रखी है उसमें भी आपको ये दिख जाएगी, ये 3 साल से चढ़ा रखी है मैंने इसके ऊपर ये प्रोटेक्टर, इस डाटा केबल को आज भी कुछ नहीं हुआ, फास्ट डाटा ट्रांसफर करती है आज भी। इससे प्रोटेक्ट तो होता है डाटा केबल है ना, खराब नहीं होती, उसके अंदर से जो कॉपर होता है ना वो खराब नहीं हो पाता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। और ये जो चार्जर जो होता है ना, चार्जर के ऊपर आप ये कवर चढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज होती है, हीट एब्जॉर्ब भी कर लेता है। बाकी ये जो ये आपकी डाटा केबल को बचा के रखता है भाई, 100 में से एक बात बताऊं, आपकी डाटा केबल है ना आपका चार्जर अलग ही नजर आएगा 100 चार्जरों में। कोई फंक्शन है या आप कहीं जा रहे हैं तो आपका चार्जर अलग ही नजर आएगा। और देखो अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर में या तो मेहमान कोई आ जाए या फिर आप किसी मेहमानदारी में चले जाओ, अगर चार्जर लेके चले गए तो डाटा केबल कोई ना कोई बंदा चेंज कर लेता है। तो जब डाटा केबल के ऊपर ये प्रोटेक्टर चढ़ा होगा ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी चेंज करने की। एक बार डाटा केबल चेंज हो जाती है ना फोन की तो फोन का नाश हो जाता है भाई, इसीलिए आप ये वाला प्रोटेक्टर और ये कवर मंगा लीजिए, इकट्ठा एक साथ आ जाता है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और आपके चार्जर की लाइफ भी बनाएगा, आपकी डाटा केबल की लाइफ बना के रखेगा। और जब आप फोन बेचना चाहो ना 2-3 साल बाद भी, जब किसी को बेचोगे तो उसको जब पता चलेगा ना कि भैया ओरिजिनल डाटा केबल है और ओरिजिनल चार्जर है उसके साथ, तो भाई अच्छे रेट में आपका मोबाइल फोन बिक जाता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आईफोन की ये सीक्रेट बातें आपको पता चले करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।